14 अगस्त से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र में सबसे पहली प्राथमिकता गहलोत सरकार की ओर से फ्लोर टेस्ट करवाने की मानी जा रही है। लिहाजा इससे पहले गहलोत सरकार अपनी स्थिति को इन दिनों मजबूत करने में जुटी है। इसी क्रम में ये सूचना मिली है कि सीएम अशोक गहलोत ने सत्र से पहले सभी विधायकों के नाम एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने सच्चाई का साथ देने की अपील की है। सीएम ने अपने पत्र में लिखा है कि चुनाव में हार जीत होती रहती है और जनता के फैसले को सभी को मानना चाहिए। गहलोत ने लिखा है कि राजस्थान में यही परंपरा रही है। अपने पत्र में गहलोत ने लिखा है कि वर्तमान में जो परिस्थितियां प्रदेश में बनी हुई हैं, उसे लेकर जनता में आक्रोश है। ऐसे में जरूरी है कि जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए हम गलत परंपराओं से बचे। सीएम गहलोत सभी विधायकों से अपील करते हुए उन्होंने लिखा कि हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम आम जनता की आवाज सुने और सुनिश्चित करें कि चुनी हुई सरकार अपना काम करती रहे। सीएम गहलोत ने आगे अपने पत्र में सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया है। साथ ही लिखा कि पिछले 1.5 साल में सरकार ने प्रदेश में विकास और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का हर संभव प्रयास किया। राज्य सरकार के फैसलों की हर तरफ तारीफ हुई है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से निपटने में भी राज्य सरकार मुस्तैदी से जुटी हुई है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो सही नहीं है। पत्र में बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय को सही ठहराते हुए कहा है कि दल बदल कानून के दायरे में ये विलय हुआ है और बसपा विधायकों ने अपने क्षेत्र में विकास के लिए विलय का रास्ता चुना है। सीएम ने लिखा कि तोड़ फोड़ कर खरीद फरोख्त के जरिए चुनी हुई सरकार को अस्थिर करना न्यायोचित नहीं है। SPN 9 न्यूज रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।